अजमेर के व्यापारियों की ओर से सफाई के नाम पर लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध को लेकर अजमेर पुलिस लाइन और लोहा खान के बाजार 2 घंटे तक बंद रखे गए और रैली निकालकर अपना विरोध भी जताया गया। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम जबरन व्यापारियों को यूजर चार्ज के नाम पर परेशान कर रही है। स्वच्छता का काम नगर निगम का होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी दुकानों से 250 रुपए यूजर चार्ज के लिए लिए जा रहे हैं, जो कि गलत है। कई दुकानदारों की ओर से कचरा बिल्कुल नहीं होता तो कई दुकानदार बहुत ज्यादा कचरा फैलाते हैं। ऐसे में इन सभी को चिन्हित भी किया जाना चाहिए। साथ ही व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम अलग अलग माध्यम से व्यापारियों को परेशान करती है और उनसे वसूली भी की जा रही है। इस यूजर चार्ज का भी विरोध किया जा रहा है, जिससे कि व्यापारी जागरूक हो सके। व्यापारी ने कहा कि नगर निगम ने तो बाजारों में स्वच्छता सही से रख पाती है, ना ही आवारा जानवरों और बंदरों पर नकेल कसी जा रही है। इसके अलावा शौचालय की समस्या भी सभी के सामने बनी हुई है, फिर भी ऐसे यूजर चार्ज लगाकर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में व्यापारी लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि इस यूजर चार्ज को वापस नहीं लिया जाता। आज हमारे पुलिस लाइन लोहा खान व्यापार संघ की तरफ से 2 घंटे बंद रखा गया है और पूर्णतः बंद है। ये नगर निगम द्वारा जो तानाशाही मचाई जा रही है, या तो सरकार को बदनाम किया जा रहा है और या ये अपने तानाशाही जारी रख रहे हैं। 250 रुपये को देने के होते हैं। आज जबरदस्ती हमारे व्यापार संघ लोहा खान पुलिस लाइन लोहा खान व्यापार संघ के अध्यक्ष साहब को कल वहाँ चस्पा करके नोटिस 7 बजे। ये कौन सा ऑफिस टाइम समय है इनका, जिस तरीके से नोटिस चिपका के जा रहे हैं, मर्जिया जिसके चिपकाए जा रहे हैं, मतलब कई वार्डों में आज भी मैं बता दूँ आपको कि भेदभाव हो रहा है, कहीं कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। नोटिस वहीं दिया जा रहा है, या तो पार्टी मतभेद या कोई और कोई कारण होगा। इस तरीके से हमारे को तो नोटिस नहीं मिला। आज ने रणवीर जी के क्यों नोटिस दिया गया, और भी दुकानदार हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भेदभाव झलकता है। ये नगर निगम की तानाशाही है, या तो हेल्थ इंस्पेक्टर जमादार जो हैं या तो मिसगाइड कर रहे हैं प्रशासन को। इस तरीके से दादागिरी सहन नहीं करेंगे। व्यापार संघ हमेशा एकता में है और एकता में रहेगा। अब किस तरीके की काम तो कर नहीं रही वो। अब ये मैंने ग्रुप में देखा था, रणवीर जी को जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ये तो ऐसे मांग रहे हैं जिसको मेरी सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं हमें। ये कोई तरीका है, वो दे दो, क्या है तरीका है? यूजर चार्ज में ये कहीं जरूरत नहीं है इसकी, क्या आप वो ले लो, कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरत नहीं है यूजर चार्ज में। आगे अगर मांगे नहीं रहती है तो क्या हमारा आंदोलन जारी रहेगा? सोमवार को 12 बजे तक। राम सिंह सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व्यापार संघ लोहा खान, को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजर चार्जेस को लेकर विरोध है। 1000 रुपये की रसीदें भी ये काटी गई, पहले इनके लाइसेंस आज तक नहीं बने गए। इनके जो ठेकेदार था वो भाग गया, इसके लाइसेंस वापस से नगर निगम वापस मांग रही है। और तो कुछ नहीं, गायों की आवारा जानवरों की इतनी परेशानी है, बाथरूम बने हुए हैं नहीं। पार्षद को कहते हैं तो वो कहता है कि भाई देखो आप, तो ये व्यापारियों का काम थोड़ी है, कोई कचरा समय पर उठता है नहीं। और सोमवार को 12 बजे तक पूर्णतः व्यापार संघ बंद रहेगा पुलिस लाइन का। आपका नाम? देवेंद्र शर्मा, सेक्रेटरी पुलिस लाइन व्यापार संघ।